वला अल वसाबी वबारक वसलम हमद वसलाद के बाद माह जमादानी अमीरमिन खलीफतुलमसलमान जानशीन मुस्तफ़ा सल्लासलम ख़लीफ़ा अव्वल हज़रत जनाब सदना अबू बकर तों का योम विसाल है इसी माह मुबारक की बाईस तारीख को आपने विशाल फरमाया उसी की मुनासबत से एक सिलसिला गुफ्तु हज़रत अबू बकरी अल्लाह के तखलाक तल्लीम्त इस नवान से शुरू किया जा रहा है अल्लाह तबारक वाल हमारा ये नजराना बारगा अकबर में मकबूल फरमाए और अल्लाह इसे कबूल करके हमारे लिए ज़रिया निजात और तोशा आख़रत बनाए हज़रत अबू बकर के बारे में उम्मत जानती है कि आप साबिकून अल अव्वलून में से हैं जिन लोगों को कुरान मजीद ने कहा वाबिकून सबकून वो जो सबकत ले जाने वाले थे वो सबकत ले ही गए ये सबकत ले जाने वालों में से हैं हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तखलाक में तालीम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है जो सबसे ज़्यादा आला है जो सबसे ज़्यादा अरफा है वो ये है कि उनके जलवों में उनके अखलाक में नबी पाक सलाम की सीरत का मुकम्मल अक्स दिखाई देता है उन्होंने अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की मुकद्दस सीरत के मुताबिक ढाल लिया था उठना बैठना चलना बोलना वो समझ गए थे कि अल्लाह के नबी सोश करते थे कि ज़्यादा बहस ना हो बल्कि जो हज़ू फरमा दें आपस में उस पर ज्यादा तकरार ना की जाए बल्कि सुना जाए और फौरन उस पर अमल किया जाए सहाबा ऐसा करते भी नहीं थे लेकिन हमारे ज़माने में कुछ बातों पर बहस होती है तकरार होती है जनाबी अबू बकर रदी अल्लाह तु का मतमा नज़र था कि जो महबूब फरमा दें जिस वक़्त फरमा दें जिस हाल में फरमा दें उस परमल करना नबी पाक सल अल्लाह ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तुकी इस बात को एज़ाज़ के तौर पर बयान फरमाया उनकी फजीलत के तौर पर बयान फरमाया सरकार फरमाने लगे मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया है उसने दलील मांगी है फरमाया ये मेरा अबू बकर है मैंने इसके सामने दीन पेश किया इसने दलील नहीं मांगी फ़ौन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए फ़ौन मुसलमान हो गए तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताली उन्होंने अपने आप को अल्लाह के प्यारे महबूब की ऱा के अंदर ढाल लिया था वो समझ गए थे कि महबूब करीम की ऱा किस बात में है हुजूर क्या चाहते हैं क्या फ़रमाते हैं क्या पसंद करते हैं किस अंदाज़ में हुजूर खुश रहते हैं कहाँ नबी पाक सल्लम को कोई बात नागवार गुज़रती है कहाँ मिजाज मुबारक पर कोई चीज़ ऐसी है जो परेशान करती है मुकम्मल अक्स थे वो हुजूर की सीरत का नबी पाक के रज़ा का जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु स वाल वसल्लम तशरीफ़ ले गए और नबी पाक सब ही वबारक वसम गार वक्त गुज़ारा और पहली वही हुजूर पे नाजिल हुई तो क़ुरान मजीद की एक तासीर थी उसकी एक शिद्दत थी कि अल्लाह के महबूब सलाम के वजूद अतहर पर उसका असर महसूस हुआ सरकार जब घर आए और जनाब खतीजतब्रदी अल्लाह तहा को कहा कि मुझे चादर उड़ा दो मुझे चादर उड़ा दो और अपनी उस कैफियत का इजहार फरमाया तो खतीजतक़रा रदी अल्लाह तह ने ना नबी पाकाम के पाँच औाफ़ गवाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक में ये पांच चीज़ें पाई जाती हैं अल्लाह कभी भी आपको रसुआ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला आपको शान अता करेगा पांच चीज़ें गिनवाईं हजरत कुबरा ने वो पांच चीज़ें कौन सी थी फरमाया मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ भी शर्मिंदा नहीं करेगा पहली बात यह है कि आप सिला रहमी करते हैं रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं दूसरा फरमाया आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं और तीसरा फरमाया आप नादारों की मदद करते हैं और चौथा फरमाया आप बड़े मेहमान नवाज़ हैं और पांचवा फरमाया जब कोई मुसीबत में होता है तो महबूब आप उनके काम आते हैं ये पांच आप के अंदर वो अखलाक आलिया हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कहती हूँ कि अल्लाह आपको इज़्ज़तें ही अता फ़रमाएगा बुलंदियाँ ही आपका नसीबा होंगी यही इन बातों से मैंने देखा है हज़रत सदना खदीरतलकब्रा रदी अल्लाह तन्हा का ये कौल बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसी बुखारी में हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तहों के बारे में इबन दगना ने एक बात कही थी जब आप मक्का छोड़ के जाने लगे काफिरों की सख्तियों से परेशान होकर तो इबन दगना ने आपको खड़ा कर लिया और कहने लगा अबू बकर आप ना जाए क्यों कहने लगा आप जैसे शख्स को यहीं रहना चाहिए वजह उसकी ये है कि आप पांच बातें वो जो हज़रत खतीजा ने नबी पाक के बारे में गिनवाई थी वही पांच बातें उसी बुखारी में उसी तरतीब से मौजूद हैं कि इब्ने दगना कहने लगे कि आप सिला रहमी करते हैं आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं अबू बकर आप नादारों की मदद करते हैं आप बड़े मेहमान नवाज हैं आप मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं वो पांच बातें जो हुजूर की सीरत मुबारक का अक्स के तौर पर हज़रत खतीजा ने बयान की वही जलवे इबन दगना ने जनाब अबू बकर बयान फरमाए वही अक्स वही रंग कच्चा रंग ललारी वाला जरा चढ़दा लेंदा रेंदा ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा तो वही कैफियात वही अक्स सीरत हजरत अबू बकर में पाया जाता था सुल्ह उदैबिया के मौके पर जब काफिर उन्हें सख्त और सब्र आज़मा शर्तें रखीं हज़रत उमर परेशान हो गए कुछ ऐसी बातें थीं जो अक़ल में नहीं आती थी परेशान हो गए जाके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल् आप भी सच्चे हैं कुरान भी सच्चा है इस्लाम भी सच्चा है इस्तफाम अंदाज़ में पूछा तो या रसूल साल वाल वसल्लम ये दुश्मन बातल पे हैं तो फिर हम दब के सुलह क्यों कर रहे तो नबी पाक सरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ मैं उसकी नाफ़रमानी नहीं करता वह मेरी मदद करेगा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताल फरमाते मैंने अर्ज़ की या रसोल्ला सल्लम आपने कहा नहीं था कि हम अन करीब उम्र करेंगे बैतुल्ल का तवाफ़ करेंगे तो हज़ूसलातम फ़रमाने लगे मैंने कहा था ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे इनशल करेंगे करेंगे हज़रत उम्र फ़ारूक फ़रमाते हैं कि मेरी ना वो तबीयत में चूँकि जलाल था हज़ूर ने बात कह दी मैंने सुन ली पर मैं मुतमिन नहीं हुआ था मेरी वो चूंकि जज्बा जहाद से मैं सरशार था तो महबूब के अदब की वजह से मैं खामोश हो गया लेकिन अभी मेरी तबीयत तो उस तरह ठंडी नहीं हुई थी जिस तरह हज़रत सैल इब्राहिम ने कहा ना या मुझे दिखा तो परिंदों मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा तो कहा यकीन नहीं का मालिक यकीन तो है पर इतमान कल भी के लिए तो फरमाते मैं भी इसी तरह हुजूर की बारगाह से निकला और जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास फिर गया और मैंने जा वही बातें दोहराई मैंने कहा अबू बकर रसूल करीम सलाम भी सच्चे कुरान भी सच्चा इस्लाम भी सच्चा फिर हम दब के सुला क्यों करें आप फरमाते मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम अबू बकर सिद्दीक ने ही वही जुमले मुझसे कहे जो मेरे रसूल पाक ने कहे थे फरमाने लगे उमर वो अल्लाह के रसूल हैं वो अल्लाह की ना नहीं करते अल्लाह उनकी मदद करेगा तो मैंने फ़ौरन अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं था हुजूर ने फरमाया नहीं था कि हम तवाफ़ करेंगे बैतुल्ला उमरा करेंगे तो जनाबी अबू बकर सिद्दीक फ़रमाने लगे उमर हुजूर ने कहा था करेंगे ये तो नहीं फ़रमाया था कि इसी साल ही करेंगे आप फरमाते हैं जब मेरी तबीयत मुतमिन हुई थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को मैंने ठंडा पाया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उमर तो अबू बकर के ईमान तक तो नहीं पहुँच सकता तो वहाँ तक तो नहीं जा सकता जो उनका मिजाज है जो उनकी तबीयत है और जहाँ तक वो महबूब की ग़ुलामी करते हैं दोस्तों अक्स बना लिया अपने आप को अक्स अपने आप को उस रज़ा में ढाल लिया जो नबी पाक की रजा थी अपने आप को वहाँ ला के खड़ा कर दिया जहाँ खड़ा होना मदीने वाले रसूल पसंद फरमाया करते थे अपने आप को उन चीज़ों का आदि बनाया जो चीज़ें मेरे नबी की चाहत थी हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तू का ये मिजाज बना और बातन में भी और जाहिर में भी जब आप हुजूर हज़ूसलामाम को मदीना तयबा लेकर के आए ना तो, तो, तो शारहन कहते हैं कि तरीक़ा ये थारत था अबू बकरीक का कि वो चलते भी उसी तरह थे जो नबी पाक का तरीका था और जब वो बोलते थे तो लगता था कि ये ना पूरा पूरा, पूरा हुज़ूर सैद आलम सलाम के जुमलों को काफ़ी करते हैं और उनका लिबास पहनने का तरीक़ा भी वही था और उनका इमामाबाँधने का तरीक़ा भी वही था तो फरमाते हैं दोनों मिल के बैठ गए इसी को कहते हैं फना फिर रसूल हो जाना अपने आप को महबूब की जात में फना कर देना फरमाते हैं कि हजरत अबू सिद्दीक़ हुजूर के साथ आके बैठ गए तो जिन लोगों ने पहले महबूब की जियारत नहीं ना की थी वो जब मिलने के लिए आते ना तो कुछ तो हुजूर की दस्तबोसी करते और बैठ जाते हजरत अबू बकर से हाथ ना मिलाते और कुछ चूँकि जानते नहीं थे तो वो आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दस्तबोसी करते और वो बैठ जाते महबूब करीम तक माज अल्लाह पहुंच ही ना पाते चूंकि जलवे इस तरह पड़ते थे इस तरह अक्स नजर आता था कि कुछ लोगों को गलत फहमी होने लगी वह हजरत अबू बकर सिद्दीक को ही अल्लाह का रसूल समझ के दस्तबोसी करते और बैठ जाते जनाब सिद्दीक के अकबर चूंकि अक्स थे चूंकि नमूना थे चूंकि जलवे दिखाई देते थे तो लोगों को परेशानी हुई अमर तब बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताली उन्होंने चाहा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे पता चले कि मैं ग़ुलाम हूँ और ये मेरे आका तशरीफ फरमा फ़ौर उठे अपनी चादर अपने कंधों से उतारी और नबी पाक पर यूँ करके उन्होंने साया कर दिया धूप ज्यादा थी वजूर पर साया कर दिया ताकि पता चले कि साया करने वाला कोई गुलाम है और जिन पर साया किया जा रहा है वह आका हैं साया करने वाला गुलाम है ये ये रंग इख्तियार किया चूँकि वो जलवा था ना वो हुसन था वो कैफियात थी वो उसका पूरा मज़ा था यहाँ बुजुर्गों ने एक और लतीफ़ बात लिखी है वो कहते हैं मेरे महबूब ना बदले बड़े बड़े बढ़ा के देते हैं वफाओं का अजर बड़ा शानदार देते हैं हज़रत सिद्दीक़े अकबर ने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रसूल पर चादर का साया किया था महबूब करीम ने कयामत तक के लिए उनकी क़बर पर अपने गुम्बद का साया कर दिया क़यामत तक साया कर दिया है उनके गुम्बक पर जो वहाँ जाएगा वो जनाब महबूब करीम पर सलाम अर्ज़ करेगा तो फिर सिद्दीकी में भी सलाम अर्ज़ करेगा मेरे अजीज़ों अक्स बना लेना अपने आप को और रसूल तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पूरा लिबादा ओढ़ लेना उनको समझ आ गई थी कि हुजूर की रज़ा किस चीज़ में वो जान लेते थे वो समझ जाते थे वो उन चीज़ों को परख लेते थे जो, जो 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 लोग देर से समझते थे वो जल्दी समझ जाते थे हुजूर के विशाल मुबारक का वक्त आया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा से बात की नाम नहीं लिया जरा समझना हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है चाहे तो वो दुनिया में रहे और चाहे तो अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाए अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार उस बंदे का नाम नहीं लिया बस महबूब की ज़ुबान से जो जुमले निकले तो पीछे बैठे थे जनाब सिद्दीक दी एक बार रोने लगे रोने लगे आंसू टपकने लगे दाढ़ी भीगने लगी लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं हज़ूर सलाम ने तो फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया फरमाया तुम नहीं समझे मैं तो समझ गया हूँ ना अल्लाह के रसूल अपनी बात कर रहे हैं इतने शनासा थे कि हुजूर सैयद आलम सलाम की रजा को फौरन पा लेते थे दुआ है अर्श का मालिक हमें भी उनके इश्क की खैरात अता फरमाए